पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आपको बता दें कि पंचकुला कोर्ट में करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा ने सरेंडर किया है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और युवाओं को रोजगार देने को लेकर पोस्टर लगाने के मामले में आरोपी करनाल से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार एवं हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पंचकुला कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा इस मामले में दोपहर के बाद सुनवाई की जाएगी। तो वहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा का कहना है कि राजनीतिक द्वेष रखते हुए उनके खिलाफ पोस्टर लगाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। उन्हें एक भी बार समन नहीं भेजा गया है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आपको बता दें कि पंचकुला कोर्ट में करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा ने सरेंडर किया है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और युवाओं को रोजगार देने को लेकर पोस्टर लगाने के मामले में आरोपी करनाल से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार एवं हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पंचकुला कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा इस मामले में दोपहर के बाद सुनवाई की जाएगी। तो वहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा का कहना है कि राजनीतिक द्वेष रखते हुए उनके खिलाफ पोस्टर लगाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। उन्हें एक भी बार समन नहीं भेजा गया है।